कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज जो आपको करके ही जाने हैं, बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से इसको देखना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले समझो कि पार्टनरशिप आपकी 36 मार्क कैरी करेगी, 36 में से 18 नंबर के तो आपके आपको पता ही है, 6-6 नंबर के सवाल आ रहे हैं एडमिशन रिटायरमेंट डेथ से, सही है। शेयर्स डिबेंचर्स आपका 24 नंबर, जिसमें 6-6 नंबर का एक पूरा बड़ा क्वेश्चन शेयर का, एक पूरा बड़ा क्वेश्चन डिबेंचर का, तो बड़े क्वेश्चंस कैरी करते हो तो 50-50% वेटेज इनका पूरा हो जाता है, बाकी एक एक नंबर के सवाल भी आप लोग कर ही लोगे, राइट। आओ सबसे पहले जानते हैं फंडामेंटल से। फंडामेंटल से भाई देखो, पास्ट एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से देख लेना, ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, और फंडामेंटल का 6 नंबर का सवाल नहीं आ रहा। अगर 6 का नहीं आ रहा तो 3 और 4 में पूरा बड़ा क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, और वो बड़े क्वेश्चंस पीएनएल एप्रोप्रिएशन वगैरह बनवाने को कम चांस रहता है, तो पास्ट एडजस्टमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पता होना चाहिए, प्रोविजंस एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कहां 6%, कहां कितना परसेंट, किस तरीके से चलता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे क्वेश्चन बन सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बड़े ध्यान से देख लेना किस तरीके से कैलकुलेट होती है, टाइम पीरियड क्या चलता है, क्या सिंपल मेथड, क्या प्रोडक्ट मेथड। तो ये 3-4 टॉपिक्स इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल की अगर बात करें, तो सबसे पहले गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड, मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि एडजस्टमेंट इसमें ज्यादा है, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉसेस, काफी कुछ है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन कैसे होनी है और ट्रीटमेंट क्या है गुडविल का, एंट्री कैसे होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इस चैप्टर से, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जा सकता है कि रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, अगर रेशियो चेंज हो, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट यहां से आप एक बार नजर जरूर मारना। एडमिशन की बात करूं तो समहाउ जर्नल एंट्रीज काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है, कि पूरा क्वेश्चन आ गया बट रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल बनाने को ही नहीं आया, जर्नल एंट्री बोल दी। तो एंट्रीज कृपया करके ध्यान से तैयार करें, एंट्रीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जर्नल एंट्रीज के बाद एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट अच्छे से पता होनी चाहिए, 2-3 प्रकार की कैपिटल एडजस्टमेंट कौन कौन सी होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, इसके साथ साथ डेटर वाला एडजस्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के चलना है एक पॉइंट, डेटर वाला, बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविजन वाला एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ चीजें हैं गुडविल में, वो पार्ट जब पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग इज गुडविल इन कैश, नया पार्टनर आया है लेकिन गुडविल नहीं ला पाया, मैंने पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो कैसे करना है, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें रिटायरमेंट डेथ, गेनिंग रेशो निकालना आना चाहिए आपको, हिडन गुडविल का छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 6 नंबर में मैंने आपको बताई दिया आना है। लोन अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर का आपको बनाना आना चाहिए, और डेथ में से स्पेसिफिकली प्रॉफिट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, और फाइनल सेटलमेंट की जर्नल एंट्रीज कि जो पार्टनर जा रहा है उसको क्या क्या कैसे कैसे दोगे, उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा, वो सब जर्नल एंट्रीज फाइनल सेटलमेंट में आनी चाहिए, ये आपका डेथ से इंपॉर्टेंट है। एक एक दो दो टॉपिक्स लिख रहा हूँ, सब पे दो दो तीन तीन क्वेश्चंस कर लो, अच्छे से हो जाएगा, मतलब आपको पूरा किताब छाटने की जरूरत नहीं है, इन टॉपिक पे बेस दो दो तीन तीन क्वेश्चन बार 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 अच्छे से करो, मैं भी कराऊंगा अभी तुम्हें सब कुछ, बीएसटी का सिलेबस हमारा पूरा हो गया ऑलमोस्ट, अकाउंट्स के बाद, इसके बाद अकाउंट्स ही करनी है, तो अच्छे से करते चलो। अगर मैं बात करूं डिसोल्यूशन की, तो डिसोल्यूशन में बच्चे सबसे पहले तो ये समझो कि हमारे पास छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो इस साल ही लागू होंगे। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स, देखो हम अभी तक क्या करते आ रहे थे कि लाइबिलिटीज में ये मान लेते थे कि लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो लाइबिलिटी को पे करके आओ उसकी बुक वैल्यू पे, सेम सिचुएशन आपको अब करके आनी है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के साथ। तो अगर आपके फिक्स्ड एसेट्स, देखो याद रखना ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में, अगर आपका टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, टेंजिबल मतलब जो आप देख सकते हो जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो आप इसको सेल ऑफ करके आना इसकी बुक वैल्यू पे, यानी जो टेंजिबल एसेट है उसको सेल करके आना है। और अगर इंटेंजिबल है, गुडविल है, पेटेंट है, कुछ इस तरीके का इंटेंजिबल एसेट है, तो उसकी वैल्यू जीरो कंसिडर करनी है। तो अगर टेंजिबल है तो उसको सेल करके आएंगे उसकी बुक वैल्यू पे, इंटेंजिबल है तो वैल्यू जीरो कंसिडर करके आएंगे, याद रखना, ठीक है। इसमें आपको डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस की एंट्रीज आनी चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट पूरा प्रॉपर बनाना आना चाहिए, IFR का ट्रीटमेंट, WCR का ट्रीटमेंट और जर्नल, एक एक दो दो चीजें इन पे कर लो, हो जाना चाहिए। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स की बात करें तो इशू ऑफ शेयर्स में पहला टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बहुत इंपॉर्टेंट, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश बहुत अच्छे से सीखना है। फॉर फीचर एंड री इशू ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में बहुत ध्यान से करना है, और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 6 नंबर में आना ही आना है। तो 3 टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स से परफेक्शन के साथ होने चाहिए। बात करें इशू ऑफ डिबेंचर्स की, इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कॉलेट्रल सिक्योरिटी, ध्यान से देख के चलेंगे। उसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसिडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, जब हम इशू की एंट्रीज करते हैं लेकिन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन भी कंसिडर करते हैं कि रिडीम कैसे हुआ, पार पे, प्रीमियम पे, किस तरीके से, वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और अकाउंट मेकिंग। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ डिवेंचर से अकाउंट मेकिंग इंपॉर्टेंट है, डिवेंचर अकाउंट बनाना है, लॉस बनाना है, लॉस का अकाउंट बनाना है, तो ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद अब हम एनालिसिस पे चलते हैं।
एनालिसिस में बेटा जी सबसे पहले कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर डिलीटेड, वो आपको देखनी नहीं है। चार ही चैप्टर्स आपके पास इस बार हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो की अगर बात करूं तो कैश फ्लो का बड़ा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा, और एडजस्टमेंट उसमें जो इंपॉर्टेंट है, एक तो एसेट अकाउंट प्रोविजन फॉर डेट अकाउंट बनाना आना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एडजस्टमेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और प्रपोज डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से आपको करनी है। प्रोविजन फॉर टैक्स वाली एक एडजस्टमेंट और है, वो भी आप एक बार जरूर देखना, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो फॉर्मेट्स अच्छे से लर्न कर लो, पी एंड एल का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज पर शेड्यूल थ्री, क्या क्या कहां कहां पे आता है, हेडिंग सब हेडिंग पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कौन सी चीज कौन से हेड में, कौन सी चीज कौन से सब हेड में, 100% आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो अच्छे से देख लो। उसके बाद एक चैप्टर थ्योरी का है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, जिसमें इंपॉर्टेंस लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा इसमें से, 3 मार्क का, तो थ्योरी का क्वेश्चन पक्का आ रहा होगा, 1 नंबर का सवाल 3 नंबर का सवाल ले लर्न करने वाला है, लेकिन समझ के लर्न करने वाला, ठीक है। अब रेशियोज की बात करें तो बच्चे सबसे पहले 3 रेशियोज जो न्यू एड हुई है वो ध्यान से कर लेना, इंपॉर्टेंट बैठेगी। सबसे पहले डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, ये तीनों रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है जो न्यू ऐड हुई हैं इस बार, 1 हमारे पास सॉल्वेंसी में और 2 आपके पास एक्टिविटी में, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके साथ साथ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये अच्छे से देखना। और एक आधा क्वेश्चन 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि इस रेशियो में ये चेंज हुआ तो बताओ रेशियो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये 3 टॉपिक रेशोस से बहुत इंपॉर्टेंट कवर करके चलना। तो मैंने पूरी ही अकाउंट्स को आपकी समराइज करा, आपको अच्छे से चीजें बताई, एक जगह कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ऑल्दो बहुत छोटा हो गया, आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा आधा आधा करके ले लो यार, क्या फायदा, लो सबसे पहले तो ये लो, ठीक है, उसके बाद ये लो, तो चीजें आपको मैंने बता दी।